यहां एक हम जानते नहीं लेकिन कन्हैया लाल जो कोई बंदा है उसने हमारे को फोन किया, आपको आना ही है। बहुत बार फोन किया, जब मैंने कह दिया कि कन्हैया लाल दूर रहते हैं लेकिन प्यार तो वही है। वाह, हम दूर रहते हैं लेकिन प्यार वही है, रोज की मुलाकात तो नहीं होती लेकिन इंतजार वही है। वाह, आया ना आनंद। वाह, अभी हमारे वो बंदे बैठे कई फोटो ले रहे थे, अरे मैंने कहा रहने दो यार, तस्वीर में फोटो साथ रखने से मोहब्बत नहीं होती साहेब, जो तकलीफ में साथ दे वही दोस्त सच्चे होते हैं। और हमारे कन्हैया लाल ने कहा, पता नहीं इसको भरोसा नहीं, दो पांच बार कह दिया आप आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने कहा कन्हैया लाल वादा करके मुकर जाऊं, वादा करके मैं मुकर जाऊं, ऐसा मैं यार नहीं, क्योंकि ये दिल है मेरा, दिल्ली की सरकार नहीं है। तुम्हें दिल की मोहब्बत पिरा हो मेरा दिल में देखो, जैसे अभी इसमें बंदा ने भजन गाया कि मोहब्बत की राहों में आकर के तो देखो, सही है ना, पता नहीं ये किस भाव से कह रहा, हमें तो पता नहीं, लेकिन मोहब्बत में मैथमेटिक्स फेल हो जाती है, दिल तो दो मिलते हैं लेकिन टोटल एक हो जाती है। वाह, अरे इसने क्या कहा अभी, उसने क्या कहा, क्या कहा, दिल लगी, क्या कहा, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, बस बस बस, अरे दिल लगाया था जिंदगी के लिए, इनके खुद के लिए कह रहा हूं, दिल लगाया था जिंदगी के लिए लेकिन रोग बन गया पूरी जिंदगी के लिए। तो सुनिएगा, लाख गहरा हो सागर तो क्या, अरे देखो प्रत्येक वर्ड को सुनना, बापू है कब काट दे, तो मैं जो भी शब्द बोलूंगा अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ में आप भी गुनगुनाएं। ओ लाख गहरा हो सागर तो क्या, ओ मेरे प्रभु से तो कम ही नहीं हो, बिल्कुल अच्छा लगा हो तो भेरू नाथ के नाम पर दोनों हाथ ऊपर कर मीठी मीठी ताली। ओ लाख गहरा हो सागर तो क्या, ओ मेरे प्रभु से तो कम की नहीं हो। और बिल्कुल शब्द बारह सुनना, उस जिंदगी की न टूटे लड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, अब राम बजले घड़ी दो घड़ी हो।
नाम बजना चाहे दो घड़ी भी हो, एक घड़ी भी हो, लेकिन बजना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। तो उठा लीजिए अपना दोनों हाथ, जय श्री राम। बस बस बस, आनंद आया ना बहन जी? सही गाया ना इसने? क्या बहन जी, सही गाया ना भैया? अरे बापू, लेकिन जब विकट परिस्थिति आती है उस समय प्रभु का नाम ही काम आता है। सुनो सही, और अगर नहीं आता तो आप चेंज करके दिखा दो, हम भी मान लेंगे। ये बहन जी कह रहे बड़ा आनंद आया, आप भी ताली बजा रहे हो। ये बेटा सबको कह रहा बजाओ ताली, आप भी बजा रहे हो, आनंद आया ना? लेकिन मैं कह रहा हूँ इसने 100% झूठ बोला। तो फिर राम को नहीं बजे तो किसको बजे? ये सारा मंजर भगवान के नाम से ही हो रहा है। अरे झूठ झूठ झूठ, ये बेटा इसकी बात जमाने के लिए कह रहा, राम सुमर लो घड़ी दो घड़ी कह रहा ना। बाकी असली बात तो ये है कि जिंदगी की टूटे ना लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ये फिल्म की लाइन है बेटे, इसने तुक मिला दी ना, आप भी उसमें उन्नी कार्य मजरा। बड़ी अजीब दुनिया है, सही है ना? ये तो हंसी मजाक की बात है, हंसो दिल खोल करके। जो दिल खोल करके हंसेगा उसको कभी दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। हमारे पिंटू जी सेन के बारे में एक बात बता रहा हूं, आज की सत्संग में हमें जो यहां आने का अवसर मिला तो रतलाम से एक पवन नाम का किसी बंदे ने फोन किया कि आप कहते बेंदर छप गए। यही बात रामायण में आती है। रामायण में बाबा तुलसी ने लिखा, अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। पिंटू जी सेन को हमारे ऊपर भरोसा था और कह दिया कि आ जाएंगे वो। अगर ऐसा भरोसा आपका और हमारा भगवान में हो जाए तो भवसागर से पार हो जाए। क्यों सेन जी? और इनके नाम के आगे लगता सेन, समाज भी है सेन, और सेन का एक अर्थ होता सेन यानी इशारा। अमुक आदमी को सेन कर रहा, सही है ना? एक जगह लिखा है, जो नहीं समझते एन में ताको दीजिए सेन, जो नहीं समझते सेन में ताको दीजिए बेन, और जो नहीं समझते बेन में उससे फिर कुछ लेन हैन कुछ दे। वाह, कोई लेना हैन देना है। वाह भाई वाह। देखिए अभी हम हमारी भूमिका बना रहे हैं। ये गांव क्या नाम है इस गांव का? खंडेल। खंडेल, खंडेल। ये गांव खंडेल न तो अयोध्या है ना वृंदावन है, लेकिन ये भक्तजन अगर मन की भूमिका से इसको वृंदावन भी बना सकते हैं और अयोध्या भी बना सकते हैं। ये भूमि तो नहीं है, लेकिन भूमिका बनाना हमारे हाथ में है। एक लाइन हमारे पिंटू भैया ने गाया, एक लाइन हम भी याद आ गए, गा दे। विश्व में भी क्या कहे, जन्म भूमि राम की। ओ, विश्व में विख्यात है जन्म भूमि राम। में विख्यात है तो ये मेवाड़ किससे विख्यात है? वाह, महाराणा प्रताप से, क्या बात है। लेकिन महाराणा प्रताप को सब नमन करते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं ना, लेकिन महाराणा प्रताप से भी पहले एक किसी मां को अगर अपन प्रणाम करेंगे तो महाराणा प्रताप का नाम भी चार चांद लग जाएंगे। कोई मां, वो कौन मां सुनिए। पन्ना अगर नहीं सहती
पन्ना अगर नहीं सहती निज सुत को संताप, जो देश कठासु लाव तो महाराणा प्रताप। वाह वाह बाबू वाह। अगर पन्ना ने अपने पुत्र चंदन का अगर बलिदान नहीं किया होता तो महाराणा प्रताप का। और आज क्या है, क्या है आज, क्या बात, क्या है आज महाराणा प्रताप जयंती, क्या बात है। एक छोटा सा भजन निवेदन कर दूं, आज महाराणा प्रताप जयंती मरता कहीं मरता क्यों गुरुदेव। एक पहले एक चुटकुला सुनिए। अभी हम आ रहे थे इस कुरुज के आसपास में एक बनास नदी की पुल आई, बनास आई ना, आप जानते हैं सब, ये कुरुज वाले सब जानते हैं। इस बनास नदी में एक कवि की कल्पना है, बनास नदी में बहता बहता एक घास का तिनका यहां से चंबल में गया, चंबल फिर यमुना में मिल गई, ये तिनका मेवाड़ से बहता बहता वृंदावन चला गया। तो वृंदावन के तिनके ने कहा तिनके को, यार तू अजीब आदमी नजर आ रहा, आया कहां से। इस तिनके ने कहा कि मैं मेवाड़ से आया हूं, यार इतनी दूर आया, रस्ते में कहीं अटका नहीं। इस मेवाड़ के तिनके ने कहा कि बंदे को अटकाने वाला रास्ते में कोई मिला ही नहीं। तो उस तिनके ने कहा यार ऐसा क्या खाता है तू, क्या पीता है। तो इस मेवाड़ के तिनके ने कहा आपके अरोगो, मेवाड़ी मोटी बोली। तो वृंदावन के तिनके ने कहा कि हम जमुना जी का पानी पीते हैं और कृष्ण भगवान की गायों की गोबर की खाद लग जाती है और आनंद लेते हैं। उस तिनके ने कहा आप क्या आरोप दे हो। तो मेवाड़ के तिनके ने कहा कि ना तो अपने ऐसे पानी है और ना सी खाद है, तो क्या खाते पीते हो। तो क्या कहा तिनके ने, मेवाड़ के तिनके ने, कि पानी रगता रो पीवता और खाद माटी री जान, ए वृंदावन रा तनखला मने गढ़ मेवाड़ रो जान। मैं उस धरती का आया हूं जहां सूरवीरों की रक्त से मैं बड़ा हुआ और उनकी माटी का खाद लगा, ऐसी धरती में आप और हम बैठे हैं, सही है ना। इतने बड़े नाम होने पर भी पूरे भारत में एक शब्द मेवाड़ के एकलिंगनाथ की गाजी से जो महाराणा ने कहा वो आज दिन तक किसी ने नहीं कहा। इतने बड़े होते हुए भी क्या कहा कि मेवाड़ का मालिक तो एकलिंगनाथ है, मैं तो उनका दीवान हूं। ये शब्द मेवाड़ ही कह सकता है। क्यों बाबू जी, एक भजन निवेदन करो, क्यों मर साहब। आनंद लेना, अगर मेवाड़ का रक्त हो आपके अंदर भी तो आनंद लेना। मैं कोई रतलाम आइला वो तो आप जानो, ये बहनें भी कोई पद्मनी बैठी, कोई कर्णावती बैठी है, हाँ हाँ, कोई फूलमती विराजमान, हाँ हाँ, क्या बात है, वाह, हाँ हाँ। और विशेष हम जानते नहीं हैं, लेकिन हमने सुना है ये सुखवाल परिवार आज आपके बीच में भागवत का मंडप रचा रहे हैं, सब भक्तों को भगवान के ज्ञान का एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो इन सुखवाल परिवार का जो इसमें पैसा लग रहा है, इस पैसे को धन नहीं कहा जाता है, धन अलग है, लक्ष्मी अलग है। क्यों बाबू जी, धन जो गलत जगह उपयोग में लाए उसको धन कहते हैं और पुरुषार्थ में वापरे एनो नाम लक्ष्मी कहवाए। पुरुषार्थ अच्छी जगह वापरे, बाणुमा बाणे गया जो ये कोई न कोई मरसा बाणे गया मां शर्मा जी मां जो कोई न कोई बनी लाल मेडिकल वाला पे जाइन आई गयो रोड पे आनंद ली रो अठी कोई न कोई रे भगत ऐसी बात नहीं। अरे दिल की बात हम भी लबों पर रखते हैं, सुना है यहां भी कोई दीवाने रहते हैं। वाह, दीवाना और नाम लेते चाड़िया में जाइरा फोरा सोरा घनी बजा चाड़िया अड़ा ने करो मजा आया।